जल्दी करो, काफी कोशिश के बाद ये जहाज मिला है, ये भी निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे बाबा जरा धीरे दौड़ो, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। क्या वो सामने वाला जहाज है अली बाबा? नहीं वो वाला नहीं है। तो फिर क्या वो वाला है? नहीं नहीं वो वाला नहीं है। ये रहा वो जहाज। क्या हम इस जहाज में सफर करेंगे? हाँ मैंने सुना है कि ये जहाज किसी कारोबार के सिलसिले में दक्षिण की ओर जा रहा है। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर ये जहाज काफी पुराना लग रहा है। जहाज में नुक्स मत निकालिए दादा जान, मैंने इसी जहाज वाले से बात की है। आप लोग बहुत देर से आए हैं। माफ कीजिए सरदार, मेहरबानी करके हमें अपने जहाज पर ले लीजिए। ठीक है जल्दी करो, हमें निकलने में देर हो रही है, तुम लोग जल्दी ऊपर आ जाओ। तेरे चोट तो नहीं लगी सिंबा? अरे ये आप क्या कर रहे हैं सरदार? लगता है तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये गुलामों का जहाज है, समझे? गुलामों का जहाज क्या मतलब? मतलब कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को दक्षिण के मुल्क में ले जाकर बेचने वाला हूँ। ये मजाल तुमने हमें धोखा दिया सरदार। अब बहुत देर हो चुकी है, चुपचाप अंदर चले जाओ। बदमाश, तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, बेहतर होगा तमीज से पेश आओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अली बाबा ज्यादा लगी तो नहीं? अब तुम तीनों मिलकर वहाँ आराम से अपना वक्त गुजारो। धोखेबाज। धोखेबाज कहीं का? खैर अजीब मुसीबत में फंस गए हैं, अब क्या करें? ठहरो, मैं उस रास्ते को काटने की कोशिश करती हूँ। हाँ करो। वो क्या है? क्या बुला? तो बड़ी दानव मछली है। दाना उस मछली पर हमला करो। दाना सुनो नहीं, जल्दी से उस मछली पर हमला करो, जाओ। Thank you.
आइए, इसे पकड़िए। मछली इधर ही आ रही है। हम लोग वाकई बड़े खुशकिस्मत हैं जो उस दानव मछली ने हमारा पीछा नहीं किया। आखिर हम बची गए। मेरे ख्याल में कश्ती छोटे होने की वजह से उस मछली को नजर नहीं आई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग बच गए। हाँ, पर उस जहाज को तो एक झटके में निकल गई थी। अरे ये क्या हुआ? मछली कहीं पानी के अंदर चली गई। तब तो लगता है कि हम सब लोग बच गए। अभी चैन की सांस मत लो, पता चलेगा कि उसने हम पर फिर हमला कर दिया। सिंबाद, अली बाबा, लगता है वो दानव मछली कहीं गायब हो गई है। मैं चारों ओर देख चुकी हूँ, फिर भी संभल के रहना। अरे ये क्या है? अरे देखो, इसका तो रंग काला है, मगर ये तेल तो नहीं लगता, शायद ये स्याही हो। या खुदा, ये समुद्री दानव तो फिर आ गया। बात ये हमारा मुल्क नहीं है। सच बताऊं तो हम सभी उस दानव मछली के डर से ही इस टापू में छिपे हुए हैं। क्या उस मछली से आप लोगों को भी खतरा है? हाँ, वो खतरनाक दानव मछली हमारी भी बहुत बड़ी दुश्मन है अली बाबा। मगर इसकी क्या वजह है जलपरी? मैं और मेरी सखिया मिलजुल कर अपने मुल्क में मजे से हंसते खेलते दिन गुजार रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक एक दानव मछली न जाने कहाँ से हमारे मुल्क में चली आई और चारों ओर उथल पुथल मचा दी और हमारा जीना मुश्किल कर दिया। भागिए शहजादी, भागिए, हमारे मुल्क में दानव मछली आ गई है, भागिए। हाँ? भागो, जल्दी भागो। हम सब उस दानव मछली के डर से इस टापू के आसपास छिपे हुए हैं। वो इस इंतजार में है कि कब मौका मिले और वो हमें कच्चा चबा जाए। तो ये बात है, पर बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने अभी तक बड़ी दोस्त मछली से मदद क्यों नहीं मांगी। हाँ, सच है। उस बड़ी दोस्त मछली ने तो कब का इस दानव मछली को हरा दिया होता,
हमने भी यही सोचा था और इसलिए उस बड़ी मछली को बहुत ढूंढा, मगर न जाने वो कहाँ गायब हो गई। लगता है वो गहरे समुद्र में छिप गई है। शायद वो इस दानव मछली के नुकीले दांतों से घबराती है। तो ये बात है, तब तो जलपरी जब तक ये दानव मछली यहाँ समंदर में है, हम अपने घर नहीं लौट सकते हैं। जी हाँ, मगर इस टापू पर हम लोगों को ज्यादा देर रहने से हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और हम जल्दी ही मर जाएंगे। हम सब सिर्फ खुले समुन्द्र में ही ठीक रह सकते हैं, वरना हमारा मरना तो तय ही है। कमजोरी है क्या? इतनी बड़ी दानव मछली की भी कोई कमजोरी है? जी हाँ, और वो है समुद्री जानवर की स्याही। स्याही? हाँ, उस दानव मछली की निगाह काफी कमजोर है, मगर उसकी सुनने की शक्ति उतनी ही तेज है। मतलब वो अपने आसपास की चीजों को सुगंध से महसूस करती है। जी हाँ, इस जानवर की स्याही से वो कमजोर हो जाती है और सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तब तो तुम उस जानवर के जरिए हमारी मदद कर सकती हो, है ना जलपरी? हाँ, तब तो हम इस बात का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्यों सिंबा? ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम उस बड़ी दानव मछली को इन दो चट्टानों के बीच में फंसाएंगे। क्या मतलब? जिस तरह सब मछुआरे चारा डालकर मछली को फंसाते हैं, उसी तरह हम भी उसे फंसाएंगे। मगर उसका चारा कौन बनेगा, ये तो बताओ सिंबाद। मैं ही चारा बनूंगा दादा जान। क्या कह रहे हो तुम सिंबाद? तुमने ये बात बड़ी आसानी से कह दी, मगर इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। बेहतर होगा कि तुम ये खतरनाक इरादा छोड़ दो। की कोशिश करिए, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले इतना बड़ा खतरा बिल्कुल नहीं उठाने दूंगा। अगर किस्मत में मरना लिखा है तो साथ मरेंगे। वो दानो मछली इतनी खतरनाक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाबा। अगर ये बात है तो मैं और मेरी सखियां भी इस तरह से आप लोगों की मदद करेंगे सिंबा। शुक्रिया। तो फिर आप लोग जितने हो सके उतने समुद्री जानवरों को इकट्ठा कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो फिर देर किस बात की, चलो चले। घबराने से क्या होगा, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि वो इस खतरनाक काम में उन दोनों की हिफाजत कर रहे हैं। आगे उसकी मर्जी है। मैं ये सब बातें नहीं चाहती। जिंदा इस दुनिया में तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। सिंबा, लगता है दानव मछली आ रही है। देखती जाओ लेना।
खुदा का शुक्र है कि तुम लोग बच गए। सिंदबाद, आखिर हमने ये नामुमकिन काम कर दिखाया, हम जीत गए। पूरा भी घोटाला। इन गिद्ध पक्षियों तक मछली की महक पहुंच गई, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चले। क्या मतलब? हमें जल्दी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए, वरना ये गिद्ध पक्षी इसके टुकड़े कर देंगे। मगर इसमें हमें क्या करना होगा अली बाबा? दादा जान, हम यहाँ से वापस लौटने के लिए इस मछली की हड्डियों से अपने लिए एक जहाज बनाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है सिंदबाद, बताओ? क्या बात कही? काफी समझदार हो। चलो सिंदबाद, इस काम में मेरा हाथ बटाओ। बहुत बढ़िया, ये हमारे बहुत काम आएगा अली बाबा। जी हाँ। सिंदबाद, ओ जलपरी, समझ में नहीं आता किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया तो हम लोगों को अदा करना चाहिए सिंदबाद, आज तुम्हारी बदौलत हम समुद्र में दोबारा लौट पाए हैं। अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए सिंदबाद। हाँ? जहाँ सिंदबाद और अली बाबा हो, वहाँ नामुमकिन जैसे शब्द के लिए तो कोई जगह ही नहीं। जलपरी की मदद से उन दोनों ने बड़ी ही बहादुरी से उस खतरनाक दानव मछली को खत्म किया। इतना ही नहीं, उस मछली की खाल से अपने लिए एक जहाज भी बनाया और फिर अपनी दोस्त जलपरी से रुख्सत लेकर वो आगे के सफर के लिए निकल पड़े। अपने आगे के सफर में वो लोग एक महल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो वहां अजीबोगरीब हालात में फंसे हुए थे, जिन्हें देखकर सिंदबाद और उसके साथी बहुत हैरान हुए। सिंदबाद ने लैला को उस महल की जासूसी करने के लिए भेज दिया और साथ ही वो सब रात में उसी महल में ठहर गए। रात में उनके कमरे में एक नकाबपोश आदमी आता है। वो आदमी कौन है और आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कड़ी। समंदर है आकाश।
अरे बाबू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप हमें इस तरह से पकड़ कर ले जा रहे हैं? हमारा कसूर क्या है? चुप रहो, क्या तुम नहीं जानते कि मुसाफिरों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं है? मगर हम लोग तो अभी भी शहर में आए हैं जनाब। सुल्तान का हुक्म है, चुपचाप चलते रहो। ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब हुक्म है। चुप रहो लड़के, अपनी जबान को लगाम दो। इतनी दुनिया देखी मगर आज तक कहीं ऐसा कानून नहीं देखा। वो रहा सराय, अब तुम लोग वहां रहो, जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जाओ वहां पर। अब तुम सब इस सराय में रहोगे, हमारे सुल्तान के इजाजत के बगैर तुम सब यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, समझे? अजीब बात है। ताज्जुब की बात है, लगता है ये लोग भी हमारी ही तरह सौदागर है। इन्हें भी यहाँ कैद कर रखा है, बड़ा ही वाहियात मुल्क है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ये वाहियात मुल्क है। पिछले 5 दिनों से इन लोगों ने बेवजह हमको यहाँ बंद करके रखा हुआ है। क्या कहा, पिछले 5 दिनों से? हाँ, जबकि हमारा इस झंझट में बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। कैसी झंझट जनाब, ऐसा क्या हो गया इस मुल्क में? क्यों, क्या आप लोग इस बारे में नहीं जानते? सारा मसला ताज का है, यहाँ के मुल्क का ताज कहीं खो गया है। क्या ताज कहीं खो गया है? इसी वजह से सब मुसाफिरों को कैद किया जा रहा है, आपको नहीं मालूम? बंद करो अपनी ये बकवास, चलो सब अपने अपने सामान की तलाशी दो। नहीं, इसे बचू नहीं, मेरे पास मेहनत कमाया है। अरे अरे, ये मेरी सराय का सामान क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगी। मैं बदमाश कही के मत करो अली बाबा। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब लोग यहाँ से बाहर निकले, चलो। जरा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दूर हटो और हमें अपना काम करने दो, समझे? मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अली बाबा, तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये देखो कितना सारा सामान गिरा दिया। खैर जो भी हो, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। धन्यवाद अली बाबा, जल्दी से इधर आओ। हाँ दादा जान, आप भी कितने डरपोक हैं, वहाँ इस तरह छुपकर खड़े हैं। चुप रहो, जरा एक नजर उस पर्चे पर डालो। अच्छा अच्छा, तो ये है वो शाही घराने से चुराया गया ताज। मगर दादा जान, आप इस पर्चे को देखकर यहाँ छुप क्यों गए? इसलिए कि किसी जमाने में ये मेरा हुआ करता था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आज से लगभग 10 साल पहले मैंने अरबिस्तान के सबसे बड़े कारीगर से ये ताज बनवाया था। वाकई दादा जान, मगर मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हालांकि अरबिस्तान काफी बड़ा है, मगर दूर दूर तक सिवाय मेरे किसी भी सुल्तान के पास ऐसा बेशकीमती बढ़िया ताज नहीं था। जैसा कि तुम देख रहे हो, इस ताज में कितनी तरह के बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं और दुनिया का सबसे कीमती हीरा बिल्कुल बीच में जड़ा हुआ है। तो क्या ये वही मुल्क है जिसके बारे में आपने हमें बताया था? हाँ ये वही मुल्क है, मैं यहीं का सुल्तान था, मगर सब कुछ बदल गया है, मैं इसे पहचान नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए मुल्क में पहुँच गया हूँ। आप शायद हमारे पहले सुल्तान जनाब बरादिन की बात कर रहे हैं, मगर आप उनके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। वे बहुत ही अच्छे, नेक और रहम दिल किस्म के इंसान थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, अपने से ज्यादा रियाया की फिक्र करते थे। वे पड़ोसी मुल्क से हार गए क्योंकि जंग से नफरत थी। मुझे यहाँ से गए 10 साल, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस मुल्क को अपने खून से सींचा था एक दिन उसकी ये दशा हो जाएगी, मगर अब मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। दादा जान, आप लोग अभी तक सोए क्यों नहीं हैं? नहीं दादा जान, मैं और अली पापा ये सोच रहे थे कि किसी तरह अगर हम वो ताज ढूंढ लेते हैं तो हम सुल्तान को अपने कानून बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, मगर उस ताज को हम लोग ढूंढेंगे कैसे सिंबाद? आप उस ताज को ढूंढेंगे दादा जान।
कौन मैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? घबराइए नहीं, आपकी शक्ल काफी बदल चुकी है, कोई आपको नहीं पहचानेगा। फिक्र मत कीजिए, सबकी याददाश्त इतनी तेज नहीं होती। हाँ, लगता है तुम दोनों के आगे मेरी एक नहीं चलने वाली। कितनी अजीब बात है कि 10 साल बाद अनजाने में ही अपने मुल्क में पहुंचकर अपने ही ताज को ढूंढना होगा। शायद अल्लाह की यही मर्जी है दादा जान। ठीक कह रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है? अरे वाह, हम सुबह में बाहर टहल भी नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सुल्तान का ताज चोरी हो गया है। तुम्हारा सुल्तान वाकई बड़ा बेवकूफ है। हमारे सुल्तान के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या पागल बने? हमारे साथ जा रहे हो, पता चल जाएगा। कमाल है, हमारी तरकीब तो तुरंत काम कर गई। अरे कुछ काम नहीं है क्या? वफादारी दिखाने के लिए मैं ही मिला क्या तुम लोगों को? जरा हाथ धोने के लिए पानी दो। क्या हो, कहीं से भी मेरा ताज ढूंढ कर लाओ, समझ गए तुम? सुल्तान अली की खिदमत में वजीर का सलाम। वजीर आजम, जल्दी से मेरा ताज ढूंढो वरना तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी मैं ये बोलने आया हूँ कि एक आदमी आया है जिसका दावा है कि वो आपके ताज चुराने वाले का नाम बता सकता है। क्या, उसे जल्दी बुलाओ। नहीं नहीं, हम खुद ही वहाँ जाएंगे। अब्बा जान जरा रुक जाइए, आप पहले ही कितने भविष्य बताने वाले को बुला चुके हैं, है ना? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि आपके इस एक ताज की वजह से मुल्क के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बकवास बंद करो, हम तुम्हारी ये बेफिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते। क्या तुम ये नहीं जानते कि वो ताज हमें कितना अजीज है? वो ताज इस बात का सबूत है कि हम कितने महान सुल्तान है। उस ताज को हासिल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब्बा जान जरा सुनिए तो। अच्छा तो वो तुम हो जो हमारा ताज ढूंढने का दावा कर रहे थे। जी सुल्तान। खैर घबराओ नहीं, सर उठाकर बात करो। लगता है हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि मैं तो इस मुल्क में पहली बार आया हूँ। खैर तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ हमें। जी मेरा नाम अरबाज है और ये है मेरा शागिर्द सिंदबाद। ठीक है, तब बिना वक्त जाया किए अभी हमें अपनी जादुई ताकत का कमाल दिखाओ तुम। जी बहुत अच्छा। शिन शिनोती बबला बू, सब कुछ सच सच बता दे तू। ए मेरी चिड़िया, उस आदमी को ढूंढ निकाल जो सुल्तान अली के ताज के बारे में जानता है। मैं देख रही हूँ कि इस महल के ताज खाने में एक नौजवान है। वल्लाह, एक चिड़िया इंसानी जुबान बोलती है। कल सुबह वो नौजवान आपको बताएगा कि आपका वो खोया हुआ ताज कहाँ है। उस नौजवान को कैद खाने से बाहर निकाला जाए। सिंदबाद इसे ले जाओ। इसे तोड़ देता हूँ। जरा देखो तो इन सब में सुल्तान के ताज का राज बताने वाला वो नौजवान कौन है? ये तो सबके सब बुढ़े हैं। हाँ वो ये पहचान लेगी। टिप 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 काओ, बोले मेरी लिप्स आई लव अंकल चिप्स। अंकल चिप चिप काओ, अंकल चिप्स के हर पैक के साथ अब हाथों हाथ एक पत्ता। शिन शिनाती बबला भू।
लड़के अब तुम रात भर गहरी नींद में सो जाओगे। अब हमें इजाजत दीजिए हुजूरे वाला। तो क्या अब तुम इससे हमारे ताज के बारे में कोई पूछताछ नहीं करोगे बुजुर्गवार? जी नहीं हुजूर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, कल सुबह जब ये नौजवान उठेगा तो ये मेरी जादुई ताकत के कमाल से हम सबको ताज चुराने वाले के बारे में बता देगा। हुजूर आला, इसके सोने के लिए कमरे का इंतजाम करवा दीजिए। वजीर आजम, इन सब के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया जाए। जो हुक्म सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ रख दो, हम खुद ही ले लेंगे। क्या हुआ? क्या ये सच है कि ये नौजवान उस्ताद चुराने वाले के बारे में जानता है? हाँ, गहरी नींद में सोया हुआ ये नौजवान उस चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। गहरी नींद में सोया हूँ? वाह दादा जान, क्या खूब बेवकूफ बनाया आपने उस नौकरानी को। आहिस्ता बोलो अली बाबा, वरना हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अब तो असली इम्तिहान की घड़ी है। मुझे यकीन है कि वो चोर इसी महल में है और आज रात वो तुम्हें जान से मारने जरूर आएगा। क्या मुझे जान से मारेंगे? हाँ, जाहिर बात है कि वो नहीं चाहता कि कल सुबह दरबार में तुम सुल्तान अली को उसका नाम बताओ, इसीलिए आज रात वो तुम्हें जरूर मारने आएगा। हाँ, समझ गया, जब वो चोर यहाँ आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। वाह क्या तरकीब बनाई है। तुम नाटक अच्छा कर लेते हो। मुश्किल आसान हो गई। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम शोर नहीं मचा रहे, देखते नहीं हमने सुल्तान अली का ताज चुराने वाले चोर को अभी पकड़ लिया है। चलो हम इसे अभी इसी वक्त सुल्तान के पास ले चलते हैं। सुनो भाई सुनो, सुल्तान अली का ताज चुराने वाला चोर पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ वजीर, क्या वो चोर इतनी जल्दी पकड़ा गया? आपने बिल्कुल सही सुना है। अच्छा तो तुम हो जिसने हमारा ताज चुराया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कौन हो तुम? ओह शहजादे, हमारे लगते जिगर तुम। ये क्या मजाक है अरबाज, ये हमारा बेटा है, ये हमारा ताज नहीं चुरा सकता। क्या ये आपका बेटा है? हाँ ये हमारा बेटा है, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मेहरबानी करके रुक जाइए अब्बाजान, ये सच कह रहे हैं, मैं ही चोर हूँ। क्या पकते हो तुम, क्या तुमने वाकई हमारा ताज चुराने की जुर्रत की है? मैंने आपका ताज चुराया नहीं, सिर्फ छुपा दिया था अब्बा जान। कहाँ छुपाया है तुमने, हमारी बात का जवाब दो वरना सजा देते वक्त हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे शहजादे हो। बोलो बोलो। मार दीजिए, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं आपका बेटा होकर आपके बेतुके का आधे कानून नहीं झेल सकता, फिर आम लोगों की क्या हालत होगी? बकवास बंद करो, हम किसी चोर की बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, तब तक हमें ताज का पता ठिकाना बता दो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। समझ गए ना, उस्ताद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम सब लोग क्या करेंगे दादा जान? हाँ हालात काफी बिगड़ गए हैं, हमें फिर कोई तरकीब सोचनी होगी वरना वो शहजादा बेवजह मारा जाएगा। अरे ये तो हूबहू वही ताज है, मगर ये तो टूटा हुआ है। समझा, ये ताज टूट गया था और यही वजह है जो अपनी जगह से ये गायब हो गया था। जी हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सच बात तो ये है कि इसे साफ करते वक्त ये मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। ये बाप ने बताना पहले यहाँ से निकलो वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। समझा,
तो तुम अपने आप को खत्म करना चाहती थी और शहजादे ने तुम्हें ऐसा करने से रोका। जी हाँ, शहजादे का कहना था कि अगर हम इस ताज को कहीं छुपा दे तो हो सकता है सुल्तान अपने कायदे कानून में फेरबदल कर ले। मगर ऐसा नहीं हुआ और पूरे मुल्क में दहशत फैल गई। ओह, तो इसी वजह से सब लोगों को परेशान किया जा रहा है ना? हाँ, शहजादे का अंदाजा गलत निकला, इसीलिए इस सारी परेशानी को खत्म करने के लिए अब शहजादा अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या वो जानबूझकर गिरफ्तार हुए थे? हाँ, उन्होंने मुझे आप लोगों को कुछ बताने के लिए मना किया था मगर मैं क्या करूँ, मैं रह नहीं सकी। घबराओ नहीं बेटी, मेरे पास एक तरकीब है, हम शहजादे को बचा लेंगे। क्या? आपके पास तरकीब है? हाँ, देखना, हम करिश्मा कर दिखाएंगे। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जो इस जालिम सुल्तान को बिल्कुल चूहा बना देगी। तो लैला, अब हम तुम्हारे भरोसे पर हैं। पर पता नहीं मैं ये भारी सामान उठा पाऊंगी या नहीं। ये काम तो तुम्ही को करना होगा क्योंकि और कोई महल से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है लैला। शाबाश लैला, शाबाश। शहजादे, ये आखिरी मौका है, हमें हमारा ताज लौटा दो। हरगिज नहीं, चाहे आप मेरी जान क्यों न ले लें, फिर भी मैं आपको ताज नहीं लौटाऊंगा। अब्बा जान, कैसे सुल्तान है आप? बेहतर होगा कि अपने ताज से ज्यादा अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचिए, वरना आपका ये मुल्क बिल्कुल जहन्नुम बनकर रह जाएगा, समझे? बकवास बंद करो, सिपाहियों खत्म कर दो इसे अभी इसी वक्त। मोहम्मद, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो, है ना? क्या मुझे नाम से पुकारा? आखिर तुम कौन हो जो इस तरह मुझे नाम से पुकारने की जरूरत कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं अराद्दीन हूँ, याद आया? सुल्तान अराद्दीन, जिसे तुमने सल्तनत के बाहर निकाल दिया था। क्या सुल्तान अराद्दीन, तुम यहाँ? हाँ, आज से 10 साल पहले मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला गया था, मगर अब मैं किसी खास मकसद से यहाँ आया हूँ तुम्हें ये बताने कि अल्लाह तुमसे बेहद खफा है। ये क्या बेवजह की बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। कल रात अल्लाह की करिश्मे से तुम्हारे महल के किसी कोने में छुपाया हुआ तुम्हारा ताज अपनी जगह से गायब हो गया। नामुमकिन, मेरे महल से इस तरह की कोई चीज गायब नहीं हो सकती। शायद तुम्हें अल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो अपने मस्जिद में जाकर देखो, तुम्हें अपना ताज वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये सच न हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। मेरा ताज मिल गया, मेरा ताज मिल गया, मेरा ताज मिल गया, मेरा ताज मिल गया, मेरा ताज मिल गया। ये तो टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद, होश से सुनो, ये अल्लाह का फरमान है, इसे नहीं मानोगे तो खत्म हो जाओगे। तुम हमारी बात सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। एक सुल्तान अपने रियाया का रहनुमा होता है, मगर तुमने अपने रियाया पर इतने जुल्म किए कि क्या कहे। ऐसा करते वक्त तुम ये भूल गए कि तुमसे बढ़कर भी कोई है। उसी अल्लाह ताला की ताकत का तुम्हें एहसास दिलवाने के लिए हमने कल रात तुम्हारे महल से वो ताज चुराया और उसे दो टुकड़े करके उसे ये अल्लाह का रख दिया। अब अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें तो तुम्हें अपनी सल्तनत के कायदा कानून बदलने होंगे। 31 सुल्तान की तरह अपने लोगों के सुख दुख का ख्याल रखना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ एक अच्छे सुल्तान की तरह रहूंगा मैं। आप लोग को याद रखें, ये फरमान सिर्फ सुल्तान के लिए ही नहीं, इस मुल्क के हर आम इंसान के लिए भी है। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। अपनी इस छोटी सी कोशिश से मैं सुल्तान का नजरिया बदलने में कामयाब हो गया।
दादा जान आप फिर से यहाँ के सुल्तान क्यों नहीं बन जाते? सब लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश हूँ। मुझे सुल्तान अरादीन से ज्यादा दादा अरादीन कहलवाना ज्यादा अच्छा लगता है। अरे अरे दादा जान, आप इस कदर भाग क्यों रहे हैं? कम से कम अपना ऊँट तो लेते जाइए। नहीं, मुझे सुल्तान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह दादा जान अरादीन ने अनजाने ही अपने मुल्क में पहुंचकर वहां पहले जैसा अमन और सुकून कायम कर दिया। वहां से रुख्सत लेकर सिंदबाद और उसके साथी एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पहुंचते ही उन्हें वहां के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। वहां का सुल्तान चाहता था कि इन लोगों में से कोई बगदाद जाकर उसका एक खास काम करके जल्दी वापस लौटे। अब सिंदबाद तो नहीं जा सकता था, लिहाजा अली बाबा को भेजा गया। क्या अली बाबा उस काम को अंजाम देकर वक्त पर वापस लौट पाया? ये जानने के लिए देखिए हमारी सिंदबाद जहाजी की अगली कड़ी। ये लोग हैं जिन्होंने हमारे इलाके में दाखिल होकर हमारी जासूसी करने की जरूरत की। जी सरदार, हमने इन्हें सरहद पार करते हुए पकड़ा है। सरदार, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम कोई जासूस नहीं है, सफर पर निकले हुए मुसाफिर हैं। चुप रहो, हम जानते हैं कि बगदाद के सुल्तान ने हमारी जासूसी करने तुम्हें यहाँ भेजा है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे सरदार? वो इसलिए कि आज से कई साल पहले हम लोग तुम्हारे सुल्तान के गुलाम हुआ करते थे, मगर उस गुलामी की जिंदगी से तंग आकर हम सब वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और यहाँ आकर हम लोग बस गए। लेकिन हमारा इस सब से कोई वास्ता नहीं। हाँ यकीन मानिए, इस सब से हम बिल्कुल अनजान हैं। अपनी और अपने दोस्तों की रिहाई चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक जरूरी काम करना होगा। वो जरूरी काम क्या है सरदार? तुम्हारे इस दोस्त को हमारा एक पैगाम लेकर बगदाद जाना होगा और वहाँ के सुल्तान से हमारे लिए माफीनामा लाना होगा, जिसमें लिखा हो कि उसने मेरे साथियों को और मुझे माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, वो जिंदगी में हम लोगों पर कभी हमला नहीं करेगा। तुम्हारे इतना करने से हम सुकून से जी पाएंगे। सिंदबाद इस काम के लिए बहुत छोटा था, लिहाजा ये काम अली बाबा को सौंपा गया।
बिना वक्त जाया किए अली बाबा इस काले सरदार का पैगाम लेकर फौरन बगदाद के लिए रवाना हो गया। कठिन रास्तों से गुजरते हुए अली बाबा को एक लंबा सफर तय करना था और उसे सिर्फ 8 दिनों का वक्त दिया गया था, जिसमें उसे इस काम को खत्म करके वापस लौटना था, वरना उसके दोस्त मुश्किल में पड़ जाते। आ जाओ। रात हो या दिन, बारिश हो या तूफान, अली बाबा ने किसी भी चीज की परवाह न करते हुए अपना सफर जारी रखा और एक लंबा सफर तय करने के बाद अली बाबा और लैला नाइल नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे अली बाबा? घबराओ नहीं लैला, मेरे पास एक तरकीब है। ओ नदी वाले राक्षस भाई, क्या आप आसपास हैं? अली बाबा, क्या तुम पागल हो? उस नदी वाले राक्षस को बुला रहे हो, कहीं हम और मुसीबत में फंस जाएं तो? कौन हो तुम और मुझे क्यों बुलाया? जी मेरा नाम अली बाबा है। आपको इस तरह से बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं सिंदबाद का दोस्त हूँ। अच्छा, तो तुम उस बहादुर लड़के सिंदबाद के दोस्त हो? जी हाँ, मुझे एक जरूरी काम सौंपा गया है, अगर मैं पूरा न कर सका तो सिंदबाद की जान जा सकती है। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी बात यह है कि उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बगदाद पहुँचना बहुत जरूरी है। ओह, तो ये माजरा है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मैं ये नदी पार नहीं कर सकता, अगर आप किसी तरह से मुझे ये नदी पार करवा दे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। इतनी सी बात? चलो मेरे जवानों, जल्दी से नदी के इस पार से उस पार तक एक लंबी कतार बना दो। मुझे उम्मीद नहीं थी लैला कि ये इतनी जल्दी मान जाएंगे। अब इन पर से गुजरते हुए तुम उस पार पहुंच सकते हो। आपने तो पल भर में मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाँ हाँ ठीक है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राक्षस भाई। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा? ये लड़का भी सिंदबाद की ही तरह बहादुर और अकलमंद है। काश कि दुनिया का हर आदमी इन्हीं की तरह बहादुर और अकलमंद होता तो ये दुनिया कितनी हसीन होती। अली बाबा, इस तरह से तो हमें बगदाद पहुंचने में बहुत दिन लग जाएगा। घबराओ नहीं लैला, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। लगता है तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। जी हाँ, बहुत भूख लगी थी, पर माफ कीजिए मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे घुड़ा ले गया। नहीं, खट्टी मीठी हाजमोला कैंडी। जो भी खाए दोस्त बन जाए। नहीं, खट्टी मीठी हाजमोला कैंडी। अरे बाबा, मैं जानती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जरा हिम्मत से काम लो। दिन रात के इस लगातार सफर में अली बाबा की हिम्मत और हौसले बुलंद थे, मगर शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। नहीं लैला, अब मुझ में उठने की ताकत नहीं है। यहाँ तुम बेहोश पड़े रहे और वहाँ तुम्हारा घोड़ा न जाने कहाँ चला गया है, क्या अब भी तुम यहीं पड़े रहोगे? ये क्या हो गया, अब हम बगदाद कैसे पहुँचेंगे लैला? ओह, अब मेरा सर बहुत जोरों से चकरा रहा है। या अल्लाह, हमारी मदद कर मेरे मौला, हम फंस गए। या अल्लाह, अली बाबा तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुस्तफा मेरे दोस्त, मगर तुम यहाँ कैसे? हम तो तुम्ही से मिलने बगदाद जा रहे थे, इस बार हमारी नजर बगदाद के शाही खजाने पर है। क्या? पर खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि इस वक्त मुझे सुल्तान से बहुत जरूरी काम है। सुल्तान से जरूरी काम है? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमें अपना इरादा बदलना होगा, कुछ बताओ अली बाबा। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, क्योंकि इस वक्त मेरे दो दोस्तों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुस्तफा तुम बेफिक्र हो जाओ। साथियों आगे बढ़ो।
अली बाबा ने मुस्तफा को सारा किस्सा सुना दिया और इसी बीच रास्ते में अली बाबा की तबीयत काफी खराब हो गई, लिहाजा मुस्तफा सुल्तान से मिलने महल चला गया। सुल्तान से माफीनामा लेने के लिए लैला भी उसके साथ चली गई और उन लोगों ने अली बाबा को सिंदबाद के घर छोड़ दिया। अली बाबा, जल्दी उठो, तुम्हारे दोस्त मुस्तफा सुल्तान को समझा बुझाकर माफीनामे के लिए राजी कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो लैला? अब थोड़ी देर में वजीर आजम खुद वो माफीनामा लेकर यहाँ आते ही होंगे। मगर अली बाबा ऐसी हालत में सफर कैसे करेगा? कोई है? अली बाबा, मुझे यकीन है माफीनामे को देखकर तुम ठीक हो जाओगे। वजीर आजम, आप यहाँ? हाँ भाई, नन्हे सिंदबाद की जिंदगी का सवाल है, सुल्तान अली ने मुझे हिदायत दी है, इसे जल्दी से जल्दी तुम्हें सौंप दूँ। अब तुम जल्दी रवाना हो जाओ, ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आजम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बाबा, अपना ख्याल रखना। बगदाद के सुल्तान से माफीनामा मिलते ही अली बाबा तुरंत रवाना तो हो गया, मगर अभी रास्ते में उसे और कई मुश्किलों का सामना करना था। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक तूफान का सामना करना पड़ा जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। अपनी बिगड़ती हुई हालत को देखकर अली बाबा को मजबूरन एक जगह रुकना पड़ा। वक्त बीता जा रहा था मगर अली बाबा बिल्कुल बेबस था। कौन है? अरे तुम तो वही छोटे जिन हो जिसकी सिंदबाद ने जान बचाई थी, इस वक्त उसकी जान खतरे में है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? अली बाबा की बात सुनते ही उस छोटे जिन ने मदद के लिए अपने अब्बा को पुकारा और वे तुरंत हाजिर हो गए। अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर और अली बाबा को अपनी हथेली पर उठाकर वो आगे बढ़ गए। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर मिले हो जिन भाई। अली बाबा से सारा किस्सा जानने के बाद छोटे जिन और उसके अब्बा इस कोशिश में थे कि अली बाबा जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अली बाबा को अब लग रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अली बाबा, ये बीच समंदर में खड़ा होकर किसे बुला रहा है? मैं नहीं जानता लैला, मगर वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अली बाबा का अंदाजा सही था, उस छोटे जिन ने मदद के लिए उन्हीं के एक दोस्त को आवाज लगाई थी। अरे ये पक्षी इसी ओर आ रहा है। जिन भाई, तुम जरा अपना हाथ ऊपर उठाओ, मैं उसका पंजा पकड़ लूंगा। थोड़ा और ऊपर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन भाई। अपने आगे का सफर जल्दी तय करने के ख्याल से अली बाबा और लैला अपने दोस्त रोकल की गर्दन पर सवार होकर दूर गगन में उड़ गए। रोकल ने उन्हें ले जाकर एक ऐसे इलाके में छोड़ा जहां से वो अपने आगे का सफर उस बड़े पक्षी की पीठ पर तय कर सकते थे। शुक्रिया रोकल, बहुत बहुत शुक्रिया। लैला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सचमुच ये अली बाबा की खुशकिस्मती थी जो अपने वापसी के सफर में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हुई जिनकी मदद से वो इस लंबे सफर और अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो गया। मोहलत का वक्त खत्म हो रहा है, इनको सजा देने की तैयारी की जाए। हाँ सरदार। ऐन वक्त पर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी दोस्तों की जान बचा ली। ये रहा आपका माफीनामा जिसके लिए आप इतने बेचैन थे। सिंदबाद दादा जान, आप लोग ठीक तो है ना? माफी चाहता हूँ, मुझे आने में इतनी देर हो गई, पर क्या करता, रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ अली बाबा? अली बाबा, ये रहा तुम्हारी मेहनत का इनाम। जवाहरात। अली बाबा, शायद तुम नहीं जानते कि तुमने हमारा कितना बड़ा काम कर दिया है। इस माफीनामे ने हमारी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। यहाँ से बच गए, अब कहाँ चला जाए? हमारा क्या है, जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी वही हमें ले जाएगा। तो फिर अल्लाह के भरोसे आगे का सफर शुरू करें, क्या पता आगे और हीरे जवाहरात मिल जाए। ए!
कह दिया था, मगर वो नहीं जानता था कि अपने आगे के सफर में उसे एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जो उसे कुछ देर के लिए अपने अजीजों की याद दिलाने वाली थी। अरे वाह, यहाँ के बाजार में तो बड़ी चहल पहल और रौनक है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। असल में इस माहौल को देखकर मुझे बगदाद की याद आ गई सिंबाद। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अरे नहीं, हमारे बगदाद की तो बात ही कुछ और है। दादा जान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? घबराओ नहीं, यही कहीं होंगे। ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। वो रही। दादा जान आप यहाँ बैठे हैं? देखो सिंबाद कितना नायाब हुक्का है, मैंने आज तक ऐसा हुक्का नहीं देखा। अरे ये हुक्का यहाँ कैसे? देखो तो। क्या तुम इसे पहचानते हो? हाँ। का मेरे सौदा का चाचा जान अली का है। वे निहायत ही अच्छे और नेक इंसान थे, मुझे बेहद प्यार करते थे। एक बार जब वो हमसे मिलने बगदाद आए तो मैं अपने अब्बा और अम्मी की इजाजत के बगैर ही चाचा अली के जहाज में जाकर छिप गया और उनके साथ एक लंबे सफर पर चल दिया। अब तुम्हें क्या बताऊं अली बाबा, शायद मेरी किस्मत में उनका साथ नहीं था। थोड़ी ही दूर पहुँचने पर हमारे जहाज का सामना एक बड़ी मछली से हुआ और इसी हादसे में हम सब एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। हिम्मत रखो सिंबाद, हो सकता है शायद तुम्हारे चाचा जान जिंदा हो। आप बता सकते हैं कि ये हुक्का आपको कहाँ से मिला? पिछले महीने जब मैं बगदाद से सामान खरीद कर लौट रहा था, रास्ते में मुझे उजड़ा हुआ जहाज दिखाई दिया। जहाज? हाँ, वहाँ रुक कर आराम किया, उसी के पास मुझे ये नायाब हुक्का मिला। हाँ, मेरे ख्याल में जिस जहाज का जिक्र कर रहे हैं वो ना हो तुम्हारे चाचा जान का है, हमें वहाँ जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद वहाँ पहुँचकर हमें चाचा अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हिसाब से तो हम सही दिशा पर हैं, लेकिन दूर दूर तक उस जहाज का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम गलत राह पर तो नहीं आ गए? अरे नहीं, इतनी जल्दी निराश नहीं होते। चलो सिंबाद, सिंबाद, तुम्हारी एक खुशखबरी है, मेरे दोस्त, मैंने वो जहाज ढूंढ लिया है। सच कह रही हो लैला? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जहाज रेत में फंसा हुआ पड़ा है। लगता है हमें हमारी मंजिल मिल गई। चलो चलते हैं। बोले मेरे लिप्स सैलाब अंकल चिप्स, अंकल चिप चिपकाओ। अंकल चिप्स के हर पैक के साथ अब हाथों हाथ एक पत्ता स्टिकर फ्री। जल्दी जल्दी बोले। क्या ये वही अली चाचा का पुराना जहाज है सिंबाद?
ये वही जहाज है। अरे वाह अली बाबा का जवाब नहीं। अली बाबा पहले तुम चढ़ो, हम पीछे से आते हैं। अरे ये तो बिल्कुल खोखला हो गया है, जरा संभल कर अली बाबा। मेरे लिए तो रुको। चाचा जान ने इसे कितने प्यार से बनवाया था, क्या शान हुआ करती थी इसकी, सब कुछ खत्म हो गया। कहीं कोई भूत प्रेत ना आ गया हुआ है ना। मजाक मत कीजिए। हाँ। सिंदबाद चलो उस ओर देखते हैं। अरे मुझे जल्दी बाहर निकालो, कहीं नीचे में गिर गया तो हड्डी पसली टूट जाएंगी। दादा जान उठिए। मेरा मजाक उड़ाया था ना, इसलिए गिर गई। दादा जान ये लीजिए अपनी लाठी। शुक्रिया, चलो नीचे चलकर देखते हैं। पता नहीं हमारा नीचे जाना ठीक होगा या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, सिंबा को हर जगह जाना ही होता है। लगता है तूफान आने वाला है। सिंबा जल्दी करो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो सिंबाद? क्या इस जहाज का कोई खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? ये तस्वीर मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है अली बाबा। ये तस्वीर मेरे चाचा जान अली की तस्वीर है। इस तस्वीर में तुम्हारे चाचा जान कितने रोबदार दिखाई दे रहे हैं, है ना? ओ क्या करती हो लैला? लैला तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे इस ओर से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। देखो देखो से, मगर हमें तो कोई आवाज नहीं आई। यकीन करो मैंने सुनी है। लैला तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस जहाज में भूत प्रेत है? चुप रहो अली बाबा, लगता है लैला इस सुनसान जहाज पर आकर कुछ घबरा गई है। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आवाज कैसी है दादा जान? ओ घबराओ नहीं सिंदबाद, कुछ नहीं होगा। इसमें डरने की क्या बात है, चलो हम चलकर देखते हैं। लगता है ये घंटी वही ऊपर लगी हुई थी जो तेज हवा के झोंके से नीचे आकर गिर गई। जल्दी भागो। जल्दी करो सिंबा, तूफान बड़ी तेजी से इस ओर बढ़ रहा है। घबराओ नहीं लैला, हम जहाज के बाहर निकल आए हैं। अरे मगर मैं ऊपर यहाँ फंस गया हूँ। ये कुदरत का करिश्मा था जो लैला ने सही वक्त पर सबको तूफान के बारे में खबरदार कर दिया और वे सब जहाज से दूर हो गए। कुछ ही देर में तूफान ने चाचा अली के जहाज को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो जहाज तूफान की बदौलत रेगिस्तान की गोद में समा गया और जहाज के साथ साथ सिंबाद की ख्वाहिशें और अरमान भी दफन हो गए। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया
और जिस जगह पर जहाज खड़ा था वहां उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। अपने चाचा के जहाज को यूं कुदरत के हाथों तबाह होता देख सिंदबाद बेहद मायूस हुआ। अब सिंदबाद के पास बची थी चाचा अली की यादें और उनका प्रिय हुक्का। मैंने सोचा था इस हुक्के से शायद चाचा अली के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। पता नहीं सिंदबाद, हम लोगों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। कमाल करते हो अली बाबा, इसमें इतना मायूस होने जैसी क्या बात है। इसी बहाने हमने एक नया रोमांच देख लिया, क्यों है ना। पर मुझे खुशी है कि कम से कम चाचा अली की आखिरी निशानी उनका ये हुक्का तो मेरे पास है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। क्या मैं उनकी निशानी नहीं हूँ? तुम भी हो दादा जान, अब आगे के सफर पर निकला जाए। हाँ, देर किस बात की। सिंदबाद और उसके साथी अपने आगे के सफर में एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें एक उड़ने वाला चट्टानी घोड़ा मिला जिसका सर कटा हुआ था। अचानक कहीं से उस चट्टानी घोड़े का सर आकर उसके धड़ से जुड़ गया और उस पथरीले घोड़े में जान आ गई, जिसे देखकर सिंदबाद और उसके साथी हैरान हो गए। ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कड़ी। This program was brought to you by पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक अच्छा खासा शहर था। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये और शहर। मेरा यकीन करो वो ये यही था, यही। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक कुआं था। जब तक हमें कुआं नहीं मिलता हम आगे नहीं बढ़ सकते। रात काफी हो गई, आराम करना चाहिए हमें। अब यहाँ पर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं? ये जगह तो बड़ी खौफनाक लग रही है। सुना तो दूर, मैं तो रात भर पलक में नहीं झपका पाऊंगी। ललई क्या है? देखो वो
क्या? शेर? डरो नहीं लैला, ये तो पत्थर का है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर इस शेर ने अभी अभी मुझे आँख मारी है अली बाबा। ये तो सिर्फ तुम्हारा वहम है लैला। लो, मैंने इसे उलट दिया, अब ये चाहे तब भी तुम्हें डरा नहीं सकता लैला। सिंबाद, क्या तुम सारी रात उस ऊंट पर ही गुजारने वाले हो? नीचे उतरो, हमें अपने रहने का भी तो इंतजाम करना है। नहीं, मुझे ये रहना मत दो। नहीं, कुछ घोड़ सवार इस तरफ आ रहे हैं, ये जरूर चोर होंगे। क्या चोर? सिंबाद, ये बहुत ही डरावनी जगह है, कहीं अब किसी मुसीबत में फंस जाए। हमें इस जगह से फौरन निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम यहीं कहीं छुप जाए। जल्दी करो, चलो। अरे हमारे खुदाबंद, हमारे रहनुमा, हमारे ये तोहफे कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दे, हमें माफ कर दे, माफ कर दे। अरे ये आवाज कैसी है? भागो भागो, जल्दी से भागो। ए जरा रुको, मगर मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी भाग जाएंगे। उन लोगों ने सोचा होगा कि ये आवाज उनके मालिक की है, जिसके लिए वे ये तोहफे लाए थे, इसीलिए वे डरकर भाग गए। लगता है ये लोग बहुत दूर से नहीं आए, इसका मतलब यहाँ आसपास कोई कस्बा है। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मुझे तो ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। शुक्र है तुमने तो सच कहा, मैं तो तुमसे भी ज्यादा डरपोक हूँ। और सच बात तो ये है कि उस मूर्ति के कटे हुए घर से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, वैसे भी बेवजह मुसीबत मोल लेने से क्या फायदा। घर में कोई है? हम मुसाफिर हैं, हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। दादा जान, लगता है अंदर कोई नहीं है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे भाई, घर में कोई है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर इस कस्बे के लोग कहीं तो होंगे। सिंबाद, इस कस्बे के सभी घर खाली है, सिर्फ एक ही घर में रोशनी दिखाई दे रही है। नई खट्टी मीठी हाजमोला कैंडी, जो भी खाए दोस्त बन जाए। नई खट्टी मीठी हाजमोला कैंडी। अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है, आखिर कब तक हम यूं ही आपस में बैठकर इसकी चर्चा करते रहेंगे? नहीं नहीं, हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। हाँ, शायद हमारे लिए यही बेहतर है कि हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। हम कहीं भी चले जाएंगे, मगर मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। कहीं वो भयानक चीज दोबारा हमारे गाँव में आ गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, वो तो वापस आकर ही रहेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर वापस आएगा। वो इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो हमें छोड़ेगा नहीं। लगता है हमने आप लोगों को परेशान किया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम मुसाफिर हैं और आज की रात हम आपके गांव में गुजारना चाहते हैं। आप तो मुसाफिर हैं और हम लोगों को लगा कि वो आ गया। क्या आप लोगों को किसी का इंतजार है? पेश आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं,
अब जब आप लोग यहाँ रहने ही वाले हैं तो खुद ही देख लीजिएगा कि वो कौन है। मैं आपको सब समझाता हूँ। मैं आपसे जो कहने वाला हूँ शायद आपको यकीन ना हो, मगर ये सच है कि हर रात हमारे गांव में जिन आता है। क्या? वो दिखने में कैसा है? मुझे यकीन नहीं होता। आप यकीन करें ना करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि वो जिन हर रात यहाँ आता है, इसलिए हम लोग ये गाँव छोड़ कर जाने वाले है। मैंने ऐसे कई जिन देखे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि माजरा क्या है? बात यह है कि हम कुछ ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमने उसे आज तक कभी नहीं देखा। बिना देखे आप लोग इतने डर रहे हैं? आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो एक जिन ही है? ये बात सच है कि हमने उसे कभी देखा नहीं, मगर हर रात हम उसकी आवाज़ जरूर सुनते हैं। हो सकता है ये किसी की शरारत हो। हो सकता है कि आप लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया, मगर कई बार जब तेज हवा का झोंका दरवाजे से टकराता है तो ऐसा लगता है कि कोई खटखटा रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना होगा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमारा खुदावंद, हमारा मालिक हमें सजा देना चाहता है। आपका मालिक? हाँ, हमारा मालिक। हर रोज की तरह आज भी हम उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर गए थे, और जानते हो वहाँ क्या हुआ? हमारे मालिक बोल उठे, रुको। बस इतनी सी बात के लिए आप लोग वहाँ से भाग आए? मगर तुम लोग इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। असल में वो जिन मैं ही हूँ जिसने आप लोगों को वहाँ डराने की कोशिश की थी। तुम? हाँ, उस वक्त हम उन खंडरों में ही थे। जब आप लोगों को आते देखा तो हमने सोचा कि आप लोग चोर हैं, इसीलिए हम लोग वही छिप गए। आप लोगों को डराने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर इस सब में बड़ा मजा आया। तुम्हारी ये मजाल, तुमने हमारे साथ ऐसा घटिया मजाक किया। माफी चाहता हूँ, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आप लोग इतने नाराज हो जाएंगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लें, तब भी तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल अलग है। यकीन कीजिए, वो मैं ही था, और भला कौन हो सकता है। अरे वो तो आ गया। ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो, वो आ गया। जल्दी से वो दरवाजा बंद कर दो। डरिए नहीं जनाब, ये तो हमारे ऊँट होंगे जो हमें ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया ना। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, फिर आपको यकीन हो जाएगा। नहीं, बाहर मत जाओ। क्यों नहीं? नहीं अली बाबा, ये हमारे ऊँट नहीं हो सकते। लगता है कोई छत पर उछल कूद कर रहा है। हमें कभी चैन से नहीं रहने देगा। अब हम क्या करें? इसे पकड़ने की कोशिश करें? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर चलो। देखो, लगता है ये वही है। ये वही जिन है जिससे गांव वाले इतने डरे हुए हैं। आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा? क्या आप बता सकते हैं कि वो दिखने में कैसा है? हाँ, इतना ठीक से तो नहीं, मगर फिर भी। बताइए वो कैसा था? वो एक घोड़ा था, किसी आम घोड़े से दुगना या तिकना बड़ा। वो हमारे सामने से भागते हुए आगे निकल गया। थोड़ा पास से जाता तो मैं उसे पकड़ ही लेता। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल से उसके पंख भी थे। अंधेरे की वजह से हम कुछ ठीक से नहीं देख पाए। पंख वाला घोड़ा? तुम फिर शुरू हो गए अपने किस्से कहानियाँ लेकर, बेवकूफ। पंख वाला घोड़ा? पंख वाला घोड़ा? तुम्हारे कहने के अनुसार तो यह हमारे मालिक की मूर्ति से हूबहू मेल खाता है। हाँ, मगर एक पत्थर का घोड़ा उड़ नहीं सकता, फिर चाहे उसके पंख ही क्यों ना हो। ये सिर्फ सिंबाद का वहम है, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, लेकिन मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, शायद ये मेरा वहम ही हो। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि हम लोग अपना सामान बांधकर इस गाँव से रुख सक ले लें। नहीं नहीं, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। मेरी राय में जब तक ये मसला सुलझ न जाए, हम सबको यही रहना चाहिए। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो सिंबाद का कहना जरूर मानता और इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करता। मुझे लगता है ये लोग उसी मूर्ति का जिक्र कर रहे थे जिसके पीछे हम लोग छुपे हुए थे। जी, लगता तो है।
ये रहा हमारा खतरनाक जिन। सलाम वालेकुम जिन, और सुनाओ क्या हालचाल है? अली बाबा, इस घोड़े की मूर्ति को ठोकना बंद करो। अगर मैं होती तो ये जैसा है वैसा ही ठोक देती। तुम सब बिल्कुल कायर हो, मगर मैं यहाँ से तब तक नहीं उठने वाला जब तक ये घोड़ा यहाँ से हिलता नहीं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मेरी तरह इस मखमली घास और चांदनी का मजा उठाइए, बड़ा मजा आएगा दादा जान। अली बाबा, ऐसा लगा किसी ने मुझे काट लिया हो। तुम ठीक तो हो ना? तो ये है। अब समझ में आया कि ये शरारत इन लोगों की थी। ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। भाग गया, वापस मिले तो बताऊं। अली बाबा, मेहरबानी करके मेरा कहना मानो और यहाँ से निकल चलो, गांव चलते हैं। अगर वो घोड़ा वापस आ गया तो यहाँ छिपने लायक कोई जगह नहीं है। यहाँ पता नहीं इन सब पर यकीन करूँ या ना करूँ। सिंबाद, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते हो। चुप रहो। कुछ नहीं दादा जान, क्या उसे जिन की तो नहीं है? मैं देखने जा रहा हूँ। सिंबाद, खुदा के लिए वो मत जाओ। रुक जाओ सिंबाद, कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं क्या करूँ अब? आप कहाँ हैं? मेहरबानी करके जवाब दीजिए। यहाँ तुम्हारे नीचे, इस जमीन के नीचे। क्या आपको किसी ने दफना दिया है? मेहरबानी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चलो चलते हैं, क्या पता ये बाहर निकलकर क्या करे। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रुकिए, हम अभी आपको आजाद करते हैं। तुम चाहो तो इसे बाहर निकाल देंगे, पर मुझे इस पर यकीन नहीं। मेरे ख्याल में ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ओ, यहाँ तो कुछ है। ये तो किसी पत्थर की मूर्ति का हिस्सा लगता है। ये तो बहुत भारी है। ये मूर्ति का एक हिस्सा है, चलो इसे उल्टा करके देखते हैं सिंबाद। मुझे नहीं लगता कि इसने हमसे बात की होगी। हो सकता है अंदर कोई और हो। अंदर जमीन में कोई है, कोई है। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास पड़ा हूँ। ये तो अजीब है। अजीब क्या है? अरे, ये पत्थर का है, फिर भी ये बात कर सकता है। मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या आप भी एक जिन हैं? नहीं, डरो नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूँ। ऐसा तुम कह रहे हो, मगर मुझे लगता है तुम वही हो। अगर अपने सवाल का जवाब चाहते हो तो मैं जहाँ कहूँ मुझे ले चलो, सब बता दूंगा। हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम आपको कहाँ ले जाएं? मुझे उन खंडरों की तरफ ले चलो। सिंबाद, मेरी बात मान लो। अली बाबा, तुम्हें मत छुओ, वहीं रहने दो। उम्मीद है ये टूटेगा नहीं। बस मुझे यही छोड़ दो। मगर तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? नहीं, मैं भाग नहीं रहा। आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ, कितनी गलत अफवाहें सुनी थी मैंने। तुम कहना क्या चाहते हो? आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आप लोग उस अंगूठी की तरह है जो उंगली में बिल्कुल सही बैठ जाती है। 500 सालों से मैं यहाँ हूँ। 100 साल पहले एक फकीर ने मेरा सर कलम करके मुझे दफना दिया था। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम वाकई एक जिन हो, जिन। यही मेरा असली रूप है, मैं इन खंडरों का जिन हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मेरा सर, मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरा सर। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये मजाल। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। जल्दी उठिए दादा जान। नहीं, मुझे छोड़कर तुम लोग जाओ।
ये बुजुर्गवार काफी समझदार लगते हैं। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? हमने तुम्हारी मदद की, तुम्हें बाहर निकाला, वरना तुम जमीन के अंदर ही होते। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कैसा मौका? अगर तुम तीनों में से कोई भी मुझ पर सवारी करने में कामयाब हो जाए तो मैं तुम तीनों को आजाद कर दूंगा। तुम पर सवारी करे? हाँ, और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो मैं तुम सबको पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम इससे क्या हासिल करोगे, फिर भी मैं पहले सवारी करूंगा। नहीं, मैं चाहता हूँ जो वो बुजुर्गवार पहले सवारी करे। मगर मैं ही क्यों? लगता है कोई खास वजह है। ठीक है, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। तो अब हम सवारी शुरू करें। तुम रुक नहीं सकते? अब रुकना किस लिए? दादा जान कामयाब हो गए। शाबाश, आप बहुत अच्छी सवारी कर रहे हैं। मुझ पर सवारी करना उतना आसान नहीं बुजुर्गवार, जितना कि तुम समझ रहे हो। तुम्हें इनकी उम्र का भी लिहाज नहीं। अब मेरी बारी है, तैयार हो जाओ। कस से पकड़ लो। शुरू करो। ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो क्या हुआ? मुझे ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं लगता। जरा रुको, ऐसी भी क्या जल्दी है, मैं आ रहा हूँ। मगर तुम्हें मुझे अपने ऊपर बिठाकर अफसोस होगा। दादा जान, जैसे ही मैं उस पर सवार हो जाऊँ आप लोग यहाँ से भाग जाइए। भाग जाएंगे? पहले तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, अब मुझसे भाग रहे हो? मैं तैयार हूँ, चलो शुरू हो जाओ। लगता है तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। चलो। चाल पुरानी हो गई, तुम्हें मुझे गिराने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस पहाड़ी से पहले ही गिरा दूंगा। मेरे ख्याल में अभी यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। हम यहाँ अली बाबा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे तो पैर ही नहीं हिल रहे हैं। मेरे भी नहीं हिल रहे। बाद आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं? जल्दी से भाग जाइए। मगर हमारे पैर ही नहीं हिल रहे हैं। क्या तुम सबके सब आदमजात बिल्कुल बेवकूफ हो और अपने आप को सबसे ज्यादा अकलमंद समझते हो। हमारे पैर जकड़ गए अली बाबा। ये क्या, पता नहीं ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मैं चलता हूँ, मगर हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों, अलविदा। आसमान पे बादल घिर आए हैं, लगता है तूफान आने वाला है। बारिश तो आ गई। अब क्योंकि हमारे पैर जकड़े हुए हैं, हम कहीं पनाह भी नहीं ले सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है। अली बाबा बेवकूफी मत करो, जल्दी से अपना चाकू जमीन पर फेंक दो। क्यों? तुम्हारे चाकू के बदौलत उस बिजली को हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी और हम जलकर राख हो जाएंगे। ऐसा होने से मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ जकड़े हुए पैरों की वजह से सड़ने से तो अच्छा है कि हम सब बिजली के झटके से मर जाएं। अब तुम फिर मत करो, जल्दी से अपना चाकू नीचे फेंक दो अली बाबा। ओ, वो आ रहा है। मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। तेज बारिश, बिजली का चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट। क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपना चाकू दो तो मैं अपनी सारा मसला हल कर देता हूँ। मगर कैसे, हम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। फिक्र मत करो, मैं खुद इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप लोगों को ये मौसम कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें नीचे गिराने के लिए ये बिल्कुल सही मौसम है। बहुत देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हें अभी भी यकीन है कि तुम मुझे नीचे गिरा पाओगे। अब फेंको अली बाबा, फेंको। ये क्या कर रहे हो?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे ऐसा बेतुका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। घबराओ नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अच्छा तो ये बात है। ठीक है ठीक है, इस बार आप लोग जीत गए, मगर ऐसा भी दिन आएगा जब आप लोगों जैसा कोई बेवकूफ आदमजात आएगा और मुझे फिर से नई जिंदगी देगा। दिन बाद अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, शुक्र है हम लोग हिलने डुलने के लायक तो हुए। मुझे लगता है जिन के जादू का असर खत्म हो गया। मैंने अपने सफर के दौरान कई जिन देखे, मगर ऐसे माहिया जिन से पाला नहीं पड़ा। अब शायद इसे कोई आजाद न करे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा खौफनाक मंजर देखने के लिए मैं आज तक जिंदा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मरना तय है, मगर पल भर में सब कुछ बदल गया। जानते हैं दादा जान, ये तो कुदरत का करिश्मा था जो उस वक्त बिजली चमक रही थी और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। खुदा की खुदा ही जाने, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि अपने दोस्त लैला के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगली कड़ी में हमारे दोस्त एक नए रोमांच में उलझ गए हैं। इस बार जादू की महारानी तबासा ने अपनी जादुई कमाल से अली बाबा को अपने बस में कर लिया और उसे अपने सहायक का काम लेने लगी। मगर सिंबाद और लैला को तबासा की इस चाल का पता चल गया और उन्होंने अली बाबा को उसके चंगुल से कैसे छुड़वाया, ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कड़ी। माफ कीजिए जनाब, हमारे साथ एक मरीज है, क्या आप हमें शहर में पहले जाने देंगे? सलाम जनाब, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी जगह बैठ जाएं। तीन लोग अंदर जा सकते हैं, जल्दी करो।
मैं जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ मेरी जगह पर बैठ सकते हो। चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। मेहरबानी करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे साथ एक मरीज है जिसकी हालत बहुत खराब है। बिल्कुल नहीं। मेहरबानी करके हम पे रहम कीजिए। ए छोकरे, एक बार कह दिया ना नहीं, जाओ चुपचाप बैठकर औरों के साथ इंतजार करो। ए दरवाजा बंद करो। कोई बात बनी? नहीं अभी तक नहीं। बेचारा अली बाबा। दादाजान, क्या मैं अंदर देखकर आऊं? कोई फायदा नहीं लैला, पिछले 30 सालों में शहर बिल्कुल नहीं बदला, चाहे कोई बीमार हो या ना हो, यहाँ बिल्कुल रहम नहीं है। अरे ठहर जा, कहाँ भागता है? अरे भागता क्यों है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ भी हो, तुम्हारा ये चूहा बहुत ही प्यारा है। बेचारा मेरा चूहा भी 3 दिनों से इंतजार करते करते थक गया है। तो क्या शहर में दाखिल होने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है? हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि इस शहर में एक वक्त पर सिर्फ 30 लोग रह सकते हैं। अलविदा, मैं चलता हूँ। देखा। कहते हैं कि यहाँ का सुल्तान बहुत ही डरपोक है, उसे डर है कि कोई उसे जान से मार देगा। क्या तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया? जानते हो आदमी कहाँ है? सुल्ताने आली, ऐसा कोई भी शख्स हमारे शहर में दाखिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि चूहा भी नहीं। देखो आसमान में अजीब सी चीज उड़ रही है, वो क्या है? जहाँ पर ना, वो तो महज एक चिड़िया है। कितनी बार कहना होगा कि मैं इस शहर में एक भी चिड़िया नहीं देखना चाहता हूँ, मार दो से अभी इसी वक्त। जो हुक्म जहाँ पर ना। बेचारा अली बाबा, क्या बताऊँ, उसे बात बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अली बाबा, तुम्हारा ये दर्द बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? मेरे पास वो दवाई है जिससे हर मर्ज का इलाज किया जा सकता है। ये घरेलू नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं। लो ये पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। दो, जल्दी दो। अली बाबा, इतनी मत पियो, कहीं नुकसान न कर दे। इतना तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था। पीते ही दर्द गायब? ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये जड़ी बूटी अक्सर बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, मगर इसका असर कुछ ही घंटों तक रहता है। इससे पहले कि दर्द फिर शुरू हो, किसी हकीम को दिखा ले। मेरे अब्बा जान हकीम हैं, आप मेरे साथ चलिए। ये बिल्कुल नामुमकिन है, वो बेवकूफ हमें कभी अंदर नहीं जाने देगा। इस शहर के हर बाशिंदे को अपने साथ एक मेहमान ले जाने का हक है, चाहो तो आ जाओ। देखा, थोड़ी सी पहचान हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। अरे तुम इस कदर इतनी जल्दी भाग कैसे रहे हो? मैं भी नहीं जानता, जरूर कोई चमत्कार हुआ है। खुदा हाफिज। दरवाजा खोलो, मेरे साथ मेहमान हैं। अली बाबा, रुको। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर आओ। अगर आज मेरे पेट में जोरों का दर्द ना होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। उस दर्द का अच्छा सिला मिला है। क्या मैं हसीन हूँ? अब देखना। ये सब तो मेरी जादुई दवाई का कमाल है।
मैं दवाई के बारे में कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारा मतलब है तुम्हें पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने एक पल में अपनी शक्ल सूरत बदल ली। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई, अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगी। आबरा का डाबरा सिंदरा बीम। शुरुआत के लिए बुरा नहीं, वैसे अभी तो तुम सीख रहे हो। जब मैं कोई मुश्किल काम करूंगा तब आपको पता चलेगा। तुम अभी भी उतने ही काबिल हो कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं वो भी कर दिखाता हूँ। आबरा का डाबरा सिमसला बीम। ओ बेवकूफ लड़के, ये घड़े मुझे मेरी मरहूम मामी ने तोहफे में दिए थे। मैंने सोचा था कि कम से कम आज अंदर जाने का मौका मिल जाएगा, मगर आज भी नहीं जा पाया। अरे हाँ। क्या हुआ, इतनी आधी रात को क्यों जा रहे हो? दादा जान, आज सुबह आपने मुझसे कहा था ना कि यहाँ का सुल्तान बड़ा डरपोक है। हाँ, मगर इससे क्या होगा? मेरा विश्वास कीजिए, हम अली बाबा को बचा सकते हैं। तुम फिर आ गए, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कोई आपके मुल्क पर हमला करके उसे तबाह करना चाहता है। क्या तुम कुछ कह रहे हो? क्या आपको लगता है कि ऐसी भोली सूरत वाला लड़का कभी झूठ बोल सकता है? मैं जानना चाहूंगा कि अब कौन सी नई कहानी बना रहा है सिंदबाद। चल कर देखता हूँ। बेहतर होगा जो ये लड़का कह रहा है वही करो, वरना बहुत जल्दी तुम्हें सजा हो जाएगी। दरवाजा खोलो, ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में हमारी रियासत में कोई शख्स है जो हमारे मुल्क तबाह करना चाहता है? जी हाँ जहाँपना। हाँ मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था, और इधर समझते हैं कि ये सब मेरा वहम है। तो क्या अभी किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ? तो क्या तुम जानते हो कौन है? जी हाँ जहाँपना, वो है जादूगरनी तबासा। तबासा? ये नहीं हो सकता, और किस नहीं हो सकता। सिपाहियों ले जाओ इन्हें और कर कैद खाने में बंद कर दो। पूरी तरह से बात तो सुन लीजिए। नहीं, तुम हमारी बात गौर से सुनो। तबासा हमारी रियासत की जादूगरनी है। हम शाही थाने की जादूगरनी है। खामोश, सिपाहियों ले जाओ इन्हें। अगर हालात ऐसे ही रहे तो यहाँ से बचना नामुमकिन है। इससे मुझे मदद मिलती है। अली बाबा, सुना है सिंदबाद और अरादीन पकड़े गए हैं। सिंदबाद? कौन सिंदबाद? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये नाम कभी नहीं सुना। अच्छे, बहुत अच्छे, तुम दिन ब दिन मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मुझे सुनकर खुशी हुई, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सुल्तान को इस मुल्क से निकालो, क्योंकि वो कायर है, मोटा है, बहुत आलसी और डरपोक है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहती हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। बहुत खूब। ओ लैला, शुक्रिया, ये लो।
ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी चाबी लेके क्या कर रहे हो? हाँ चलो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। क्या जहाँ बना कोई भयानक सपना देख रहे थे? नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें किसी भी तरह ढूंढना होगा। जाओ महल के चप्पर चप्पर छान मारो, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते मुझे सूरत दिखाना। जाओ जल्दबाजी मत करो, वो जादूगर की तमाशा बहुत ही चालाक है, कहीं तुम उसके जाल में न फंस जाना। आप ठीक कह रहे हैं, काश हमारे पास एक बड़ा मोटा चूहा होता। तुम ठीक कह रहे हो सिंबाद, वो जादूगर की तमाशा चूहा से बहुत अच्छी है। लगता है घर में मेहमान आए हैं। ओ तमाशा सिंबाद, तुम्हें ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि इस मुल्क में एक भी चूहा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के सुल्तान को चूहों से बेहद डर लगता है। ऐसा करके तुमने अपनी कमजोरी को भी दूर कर दिया है तबासा। मेरे पास एक और खुशखबरी है, बहुत जल्द ये मुल्क अली बाबा का होगा। ये अली बाबा है? आपसे अपना तारुफ करवाना चाहूँगा, मैं हूँ अली बाबा, तबासा क्लोता शागिर्द। तुम समझते हो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? तुम तबासा के लिए काम करो ये बिल्कुल नामुमकिन है। अली बाबा, जो तुमने मुझसे सीखा है जरा उसकी एक झलक तो दिखाना। अगर सीखना चाहते हैं तो मैं जरूर सिखाऊंगा। आबरा का डाबरा। अली बाबा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अली बाबा, मैं लैला हूँ, तुम्हारे दोस्त लैला।